दोस्तों, अगर आपके चैनल पर 4-5 व्यूज ही आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी वीडियो आपके टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही है। आप जिस लोगों के लिए वीडियो बना रहे हो उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है। दोस्तों, जब उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो आपके वीडियो पर व्यूज कैसे आएंगे? तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी वीडियो को बड़े बड़े यूट्यूबर के सजेशन में पहुंचा सकते हो दोस्तों। तो उनके सब्सक्राइबर को दोस्तों आप टारगेट कर सकते हो, जिससे आपके चैनल पर व्यूज अच्छे खासे आए। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सी ऐसी वीडियो है जो अच्छे खासे व्यूज लेके आई है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप आखिर तक देखते हो तो आप भी अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो, अच्छे खासे व्यूज ला सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब यहां पर अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और यहां सर्च बार में जाते हैं और यहां पर दोस्तों हम लिखते हैं studio.youtube.com। दोस्तों, ये ऐसे लिख के आपको सर्च कर लेना होगा। दोस्तों, अगर आपका क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब चैनल लॉगिन नहीं है तो कैसे लॉगिन करते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे देख के आप लॉगिन कर लेना अगर आपका लॉगिन नहीं है। अगर आपका लॉगिन है तो आप ऐसे लिखोगे, आपका YT स्टूडियो क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा फाइनली ओपन हो गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे नीचे दोस्तों सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ये। तो दोस्तों, यहाँ सेटिंग पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको चैनल पे क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री, यहाँ पर हमको कंट्री सेलेक्ट करना है। तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों आप जहाँ से हैं वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर हूँ इंडिया से और यहाँ पर दोस्तों मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों, दूसरा आता है हमारा कीवर्ड का। दोस्तों देख सकते हैं ये, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी वीडियो को सजेस्ट में लाने के लिए और यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझाने के लिए। दोस्तों इसीलिए कीवर्ड दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत लोग गलती करते हैं, कीवर्ड नहीं ऐड करके रखते। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको चैनल से रिलेटेड कीवर्ड डालना होगा। जैसे मेरा चैनल मलिक ट्यूब है तो यहाँ पर मैं पहले चैनल के रिलेटेड डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ मलिक ट्यूब रख दिया। और दूसरा, जैसे लोग किस तरीके से सर्च करते हैं तो बहुत लोग मलिक लिख के सर्च करेंगे, हम ALE के लिख दे रहा हूँ मैं मलिक ट्यूब। उसके बाद दोस्तों इसी तरह हम कई कीवर्ड लिख दे रहे हैं, यहाँ पर द मलिक ट्यूब, दोस्तों ऐसे करके हमने लिख दिया। दोस्तों आप और कीवर्ड ऐड कर सकते हो अपने चैनल से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों, अब हमारा दूसरा आता है कि हम यूट्यूब को समझाएंगे कि हम किस कैटेगरी की वीडियो बनाते हैं, कैसी वीडियो बनाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें कीवर्ड देना होगा अपने कैटेगरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम बनाते हैं टेक की वीडियो, तो यहाँ पर हम टेक दे देंगे। उसके बाद YouTube टिप्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम और एक कीवर्ड डाल देंगे, YouTube अपडेट। उसके बाद दोस्तों, अगर आप अनबॉक्सिंग करते हैं तो अनबॉक्सिंग या एडिटिंग जो भी आप करते हैं उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर कीवर्ड दे देना है आपको। दोस्तों मैं जो करता हूँ अपने चैनल पे वो दे रहा हूँ, एडिटिंग और टेक न्यूज भी कर सकते हैं हम, टेक न्यूज। और दोस्तों आप जो भी अपने कैटेगरी से रिलेटेड और कीवर्ड देना चाहो तो आप दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अब हमारा आता है कि हम अपनी वीडियो को किन ऑडियंस तक दिखाना चाहते हैं, किन यूट्यूबर को हम टारगेट करते हैं, उनके सजेशन में अपनी वीडियो को दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके कैटेगरी से बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनका नाम आपको मेंशन कर देना होगा। दोस्तों आपके चैनल पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टॉप जो यूट्यूबर हैं उनके नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मनोज दे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेक्निकल योगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ, ईशान मोनिटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ जुन्नू की टेक भी मैं ऐड कर रहा हूँ, जुन्नू की टेक। बस दोस्तों मैं इतना ही मेंशन कर रहा हूँ, आप और कीवर्ड भी मेंशन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 500 कीवर्ड लिख सकते हो, जबकि मैंने अभी तक 160 ही लिखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के और लिख देना तो आपका कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा हो जाए। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये वाली वीडियो देखें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।